नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप शरीर की कमजोरी को दूर और ताकतवर कैसे बना सकते हैं। खाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घरेलू उपाय से भी अपना वजन बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दुबला पतला शरीर कमजोरी का संकेत होता है। मोटा होने के लिए अधिकतर लोग कैप्सूल, टेबलेट और पाउडर पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो वेट बढ़ाने की मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं। हाइपरथायराइड और जेनेटिक के कारण भी वजन कम होता है। शारीरिक और मानसिक तनाव के कारण भी दुबला पतला शरीर होना एक आम बात है। पाचन शक्ति कमजोर होने की वजह से भी शरीर दुबला पतला दिखने लगता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे आपका एक महीने के अंदर अंदर ही वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, पहला तरीका है किशमिश और अंजीर। सूखी अंजीर के 6 दाने और किशमिश के 25 से 30 ग्राम लेकर पानी में भिगोकर शाम को रखें। अगले दिन इसे पानी से निकालकर इस दिन में 2 बार इसे खाएं। कुछ ही दिनों लगातार इस उपाय को करने से आपका वजन बढ़ने लगेगा। अंजीर और किशमिश का उपाय तेजी से वजन बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। इससे आपका वजन बहुत ही जल्दी बढ़ने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, दूसरा उपाय है दूध और केला। जल्दी वजन बढ़ाने के लिए आपको अपने डाइट चार्ट में दूध शामिल करें। मोटा होना है तो सुबह और शाम दिन में 2 बार दूध जरूर पीना चाहिए। दूध पीने के साथ केला खाने से वजन जल्दी बढ़ता है। इसके अलावा घर पर ही बनाना शेक बनाकर पिएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यह भी आपको जल्दी वजन बढ़ाने में बहुत ही मददगार नुस्खा है। दूध और केले का अलावा दूध के साथ आम खाने से भी फायदा होता है। फ्रेंड्स, तीसरा उपाय है अश्वगंधा। वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवा पतंजलि का नाम जानना चाहते हैं तो अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा के इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है जो आप पतंजलि से ले सकते हैं। वजन बढ़ाने के अलावा यह हाइट को बढ़ाने में भी आपकी बहुत मदद करता है। अगर आप मोटा होने की मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक दवा लेना अच्छा उपाय है, क्योंकि ये ना तो महंगे हैं और जल्दी बेहतर परिणाम मिलते हैं और इसके साइड इफेक्ट भी ना के बराबर होते हैं। 1 गिलास गुनगुने दूध में 2 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और मक्खन मिलाएं और सोने से पहले रात को इसे पिए। हर रोज इस नुस्खे को करने से कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लग जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, चौथा उपाय है शतावरी और मिलेटी। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन लोगों को वेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है। ये आयुर्वेदिक दवाएं इम्यूनिटी बढ़ाती है और शरीर को सेहतमंद रखती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से अगर आपका मोटापा नहीं बढ़ रहा है तो मिलेटी का इस्तेमाल एक आप अपना वजन बढ़ाने के लिए आप रोज़ाना साबुनदाने की खीर भी खा सकते हैं या फिर साबुनदाने की खिचड़ी भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।